अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, MGT 101 का हमारे पास टॉपिक 132 स्टार्ट होता है, जो है हमारे पास इन्वेंट्री कॉस्टिंग मेथड्स। ठीक है, इन्वेंट्री कॉस्टिंग मेथड्स हमारे पास जो है वो हमारे पास कितने टाइप्स के हैं, वो हमारे पास दो टाइप्स के हैं। पहले हम देख लेते हैं इफ द इन्वेंट्री रिप्रेजेंट्स इंडिविजुअल आइडेंटिफाइबल यूनिट। ठीक है, अगर हमारे पास जो एंटिटी है वो हमारे पास रिप्रेजेंट कर रही है इंडिविजुअल आइडेंटिफाइबल यूनिट्स को, तो फिर हमारे पास जो मेथड होगा वो होगा स्पेसिफिक कॉस्ट मेथड। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा मेथड है, इसका मतलब ये है। ठीक है, ये आगे मेथड की डेफिनेशन है कि इस मेथड का मतलब क्या है कि प्राइस पर यूनिट ऑफ इंडिविजुअली आइडेंटिफाइएबल इन्वेंट्री। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, हम क्या करेंगे, प्राइस पर यूनिट करेंगे। भाई जो भी आइडेंटिफाइएबल यूनिट है ना, तो प्राइस पर यूनिट कैलकुलेट करेंगे। और अगर हमारे पास जो इन्वेंट्री है वो हमारे पास म्यूचुअली इंटरचेंजेबल हो, ठीक है, म्यूचुअली इंटरचेंजेबल क्या है, ये पीछे से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो चुका है, तो मैं भी आपको दिखा भी देती हूँ। पीछे हमने इसको कहाँ पे पढ़ा था, जब हम इस वैल्यूएशन ऑफ प्रिंसिपल की बात कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये कहा था कि म्यूचुअली इंटरचेंजेबल और स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइएबल। ठीक है, तो फिर हम कौन कौन से मेथड यूज़ करते हैं, जब हमारे पास जो इन्वेंट्री है वो म्यूचुअली इंटरचेंजेबल हो, तो हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक है हमारे पास फीफो और दूसरा है हमारे पास वेवको। ठीक है, फीफो हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और यहाँ पे ये फीफो की डेफिनेशन है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या है कि जब अगर कोई चीज़ पहले आ रही है, ठीक है, मतलब पहले है कंपनी में आई कोई भी प्रोडक्ट और एक बाद में आई, तो अब जो पहले आई वो पहले कंज्यूम होगी, जो बाद में आई वो बाद में कंज्यूम होगी। ठीक है, और वेटेड एवरेज कॉस्ट का क्या मतलब है, वेटेड डब्ल्यू फॉर वेटेड, ए वी फॉर एवरेज एंड सी ओ फॉर कॉस्ट। ठीक है, वेवको मेथड भी इसको हम कहते हैं। और इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि जो फर्स्ट प्रोडक्ट आई और सेकंड प्रोडक्ट आई, हम क्या करेंगे, उन दोनों का सम करेंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स पे। टोटल नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स हमारे पास कितनी है, एक और दो, दो प्रोडक्ट्स आए। ठीक है, इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, वेवको, और ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसकी डेफिनेशन एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं। फीफो An assumption is made for costing purposes that the first item of inventory received are the first items to be sold. ठीक है, first item जो हमारे पास inventory का है उसको हम क्या करेंगे, पहले sale करेंगे, और जो बाद वाला item है उसको हम बाद में sale करेंगे। The closing inventory comprises the items purchased most recently. ठीक है, तो हमारे पास जो closing inventory होगी उसमें हमारे पास कौन से item होंगे, उसमें हमारे पास वो item होंगे जो हमने अभी recently क्या किए हैं, purchase किए हैं। रिसेंटली परचेज का मतलब है जो हमने पहले परचेज किए थे वो तो कंज्यूम हो गए, मतलब फर्स्ट जो आए वो तो कंज्यूम हो गए, और जो बाद में परचेज कर रहे हैं वो हैं हमारे रिसेंटली परचेज्ड, ये जो बाद में अब आएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो और जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी उसमें ऑब्वियसली हम पहले वाले यूज़ कर लेंगे, ये वाले सारे। ठीक है, और जो हमारे पास लास्ट में बचेंगे एक या दो, वो हम क्या करेंगे, वो हम उठा के अपनी क्लोजिंग जो इन्वेंट्री होगी उसमें लिख देंगे। क्लोजिंग इन्वेंट्री में हम क्या लिखते हैं, जो हमारे पास पूरे साल के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे पास बच जाएँ, जो आइटम्स बच जाएँ, और उनको हम क्या करते हैं, क्लोजिंग में डाल देते हैं। अब ये वाले बच गए तो इसको क्लोजिंग में डाल लेंगे, और ये रिसेंटली परचेज्ड है, ये हमने अभी अभी ही खरीदे हैं। ठीक है, क्योंकि जो पहले खरीदे थे वो तो फीफो है, तो वो तो आउट हो गए, मतलब वो तो सेल कर दिए या उनको कंज्यूम कर लिया गया। अब हमारे पास क्या है, वेटेड एवरेज कॉस्ट, इसमें हमारे पास क्या है, अंडर दिस सिस्टम द इन्वेंट्री इज़ वैल्यूड एट द वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ द इन्वेंट्री ऑन हैंड। ठीक है, वेटेड एवरेज करेंगे, एवरेज कैसे करेंगे, टोटल हम पहले उनका सम अप कर लेंगे जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट्स होंगे, डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ आइटम्स पे, जितने भी हैं, मतलब टू हैं थ्री हैं, उस पर हम डिवाइड कर देंगे एन कैन। ठीक है, मतलब एन हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना, उन पर हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास वेवको आ जाएगा। अब ये क्या है, दिस इज अचीव्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल कॉस्ट बाय द टोटल यूनिट्स। एक्जैक्टली टोटल कॉस्ट बाय द टोटल यूनिट, ये इसी को करके ये इसका फार्मूला आगे बता दिया गया हुआ है, वही जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, द एवरेज कॉस्ट विल बी कंप्यूटेड एवरी टाइम एडिशनल इन्वेंट्री इज परचेज नॉट प्रोड्यूस। ठीक है, एवरेज कॉस्ट हम तब इंक्लूड करेंगे जब हम क्या करेंगे, न्यू आइटम या न्यू इन्वेंट्री जो है वो हम परचेज करें। फॉर एग्जाम्पल, हमारी कंपनी में 5 इन्वेंट्रीज हैं। ठीक है, तो हम क्या करें, इसका हमें वेवको पता है, फिर हमने एक और इन्वेंट्री बाय की तो हमारे पास 6 होगी। अब 6 होगी तो हमारे टोटल नंबर ऑफ जो यूनिट्स हैं वो हमारे पास 6 हैं, और जो हमारे पास इनकी जो 6 की कॉस्ट आएगी वो भी तो ऑब्वियसली 5 से चेंज होगी, तो हम क्या करेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, वेवको को फिर फाइंड करेंगे। ठीक है, हालांकि जो फीफो होता है उसको हमें अगेन एंड अगेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो पहले आया और पहले गया। ठीक है, उसको हमने कंज्यूम कर लिया, लेकिन ये जब भी कोई आइटम आ रहा है या जब भी कोई आइटम रिमूव हो रहा है ना,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेवको को अगेन फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने ये वैल्यूएशन प्रिंसिपल वही है जो हम पीछे इसको कवर कर चुके हैं। ठीक है, ये फीफो हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमने कहा था कि हम इसको बाद में देखेंगे हम इस मेथड्स को कैसे यूज़ करते हैं, और जो वेटेड एवरेज मेथड है वो हमारे पास यहाँ से है। तो हम क्या करते हैं, इस दोनों को एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि ये दोनों हमने क्या किए हैं, इनको कैसे सॉल्व किया। अब एग्जाम्पल हमारे पास जो है वो है प्रैक्टिस 15.6। 15.6 की जो हमारे पास क्वेश्चन है वो हमारे पास जस्ट इतना है। ठीक है, और जो सोल्यूशन है वो हमारा यहाँ से फीफो से स्टार्ट होकर यहाँ पे लास्ट तक है, एंड तक। तो हमारे पास अब क्वेश्चन में क्या है कि जो परचेज हैं हमारे पास, परचेजेस मतलब जो हमने खरीदी हैं चीज़ें, वो क्या है, 5 यूनिट्स खरीदे हैं जिनकी कॉस्ट इतनी है, 5 यूनिट ये खरीदे इनकी कॉस्ट इतनी है, 5 यूनिट ये खरीदे इनकी कॉस्ट इतनी है। तीनों की क्या है, कॉस्ट डिफरेंट है। और ये हमारे पास क्या है, क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो हमारे पास 8 यूनिट है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखें, टोटल हमने कितने यूनिट्स बाय किए, 15, और क्लोजिंग इन्वेंट्री में कितने गए, 8। इसका मतलब ये हुआ 15 - 8, 7 यूनिट्स। 7 यूनिट्स क्या हुए, कंज्यूम हो गए। क्लोजिंग इन्वेंट्री में वही चीज़ जाती है ना जो आपके पास बच जाए। तो अब 15 हमने खरीदे थे पूरे साल में और 8 हमारे पास बच गए, मतलब 7 हमारे कंज्यूम हुए। इनडायरेक्ट तो ये मतलब हुआ कि 7 कंज्यूम हुए। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, फीफो अप्रोच यूज़ करेंगे और फिर वेवको अप्रोच यूज़ करेंगे और दोनों के थ्रू इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। अब फीफो है हमारे पास, तो ये है हमारे पास के 8 यूनिट जो है वो हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री में है। ठीक है, 8 यूनिट तो क्लोजिंग में रहेंगे और हमने क्या करने हैं, 7 यूनिट्स कंज्यूम किया। अब 7 यूनिट कैसे कंज्यूम हुए, फीफो अप्रोच को फॉलो करते हुए। फीफो क्या कहती है कि जो 5 यूनिट पहले आए इसको पहले कंज्यूम करो। अब ये जो थे 5 यूनिट ये कंज्यूम हो गए। ठीक है, इसको हम अब इसको इन्वेंट्री में नहीं लिखेंगे। यहाँ पे जो 5 यूनिट थे यहाँ पे हमारे क्या हुए, 2 कंज्यूम हो गए और बकिया जो 3 हैं वो रह गए, और ये 3 जाएंगे क्लोजिंग के इन्वेंट्री में। 3 ये वाले जाएंगे और 5 ये वाले जाएंगे। ठीक है, ये 3 और 5 8 बने और ये 8 क्या करेंगे, मिलके कर क्लोजिंग इन्वेंट्री में जाएंगे। क्लियर, तो अब हमने क्या करना है, हमने फीफो के थ्रू क्लोजिंग इन्वेंट्री ही फाइंड करनी है कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो कितनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले 3 यूनिट्स इसके लेंगे। यहाँ पे हमने 2 कंज्यूम किए, ये 3 शायद आपको क्लियर नहीं है, तो हम इसका यहाँ पे आपको मैं बता देती हूँ रेड से कि यहाँ पे हमारे पास हैं 3 यूनिट जो हमने क्या किए, बच गए हमारे, और यहाँ से 5 यूनिट्स। ठीक है, अब 5 और 3 ये 8 बने टोटल। अब इन 8 को हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इनकी फीफो फाइंड कर लेते हैं। पहले हमारे पास 3 यूनिट्स हैं, 3 यूनिट्स, और इनकी कॉस्ट हमारे पास कितनी है, 5 पर यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट की हमारे पास जो कॉस्ट आएगी वो 5 रुपये आएगी, तो हमने इसको ऐड 5 रुपीज़ कर दिया। ठीक है, अब हमने 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, आंसर हमारे पास 15 आ गया। क्लियर, अब बकिया हमारे पास 5 ये गए क्लोजिंग इन्वेंट्री में, क्योंकि ये तो मतलब बाद में आए हैं तो ये तो सारे के सारे ही पड़े रह गए। 5 ये आए और इनकी कॉस्ट हमारे पास कितनी है, 5.50। 5 ये लिखेंगे और कॉस्ट इसके लिखेंगे 5.50, और ये टोटल हमारे पास मल्टीप्लिकेशन करके ये आए 27.50। क्लियर, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 42.50। ठीक है, और ये हमारी क्या हो जाएगी, कॉस्ट हो जाएगी क्लोजिंग इन्वेंट्री की। क्लियर, नेक्स्ट हमारे पास है वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज को हम कहते हैं एवरेज कॉस्ट मेथड, और वेव को भी इसको हम कहते हैं। इसका हमारे पास, अब इसमें भी हमने क्या करना है, क्लोजिंग इन्वेंट्री को ही फाइंड करना है, मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट को। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास फार्मूला होगा वो डिफरेंट होगा। अब ये कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास ये था, अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास क्या है, टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री परचेस्ड। यही हमने कहा था ना कि टोटल कॉस्ट डिवीजन करेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स परचेस्ड, जितने हमने नंबर ऑफ यूनिट्स किए, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स पीछे। ठीक है, अभी स्लाइड्स में भी हमने यही पढ़ा, मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट्स इन इन्वेंट्री, कि जो हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री है यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री आएगा। ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री में जितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं वहाँ से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे इसकी अगर हम टोटल कॉस्ट की बात करें तो 5 यूनिट ये कॉस्ट 4 रुपीज़, मतलब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से दिस वन। ठीक है, फिर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से ये आ जाएगा, और फिर हमने परचेज की 5 यूनिट परचेज किए 5.50 के, और ये हमारे पास यहाँ पे आ गए। टोटल नंबर ऑफ यूनिट हमारे पास कितने हुए, 15, ये हमारे पास 15 बन रहे थे, तो हम इन 15 को क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हमारे 15 आ गए, और मल्टीप्लाई हमने कर दिया नंबर ऑफ यूनिट्स इन क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री में हमारे पास कितने यूनिट्स हैं, 8, तो हमने 8 से मल्टीप्लाई किया और आंसर जो आया हमारा वो आया 38.67 रुपीज़। क्लियर, ये हमारा वेवको मेथड के थ्रू आ गया और ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के थ्रू आ गया।
आपको परचेसिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन होगी क्वेश्चन में, और आपसे पूछा जाएगा कि अच्छा जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है फीफो, जस्ट फीफो भी पूछा जा सकता है, ज़रूरी नहीं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बताया गया। और यहाँ पे वेव को भी आपसे मतलब इसकी शॉर्ट जो है ना एब्रीविएशन वो भी दी जा सकती है, फीफो से करें या वेवको से करें। तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको ऐसे ही आपने सॉल्व कर लेना है अपने क्वेश्चन में। ठीक है स्टूडेंट्स, आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे एंड होता है। तो हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सॉरी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।